दोस्तों, सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 5S के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखियो, 5S की उत्पत्ति जापान से हुई है। 5S एक जैपनीज वर्ड है, इसके बाद में ये पूरे विश्व में फैला है। 5S का पहला ऐसा सेरी, ये जैपनीज भाषा में है। हिंदी भाषा में इसको हम छटाई कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको सॉर्टिंग कहते हैं, सॉर्ट करना या सेग्रीगेशन करना होता है। दूसरा अक्षर है जापानीज भाषा में सेशन, और इंग्लिश के अंदर सेट इन ऑर्डर बोलते हैं और हिंदी के अंदर हम सुव्यवस्थित कहते हैं इसको। तीसरा अक्षर है सेसो, हिंदी के अंदर हम इसको स्वच्छता कहते हैं या साफ सफाई, और इंग्लिश के अंदर हम इसको साइन कहते हैं, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। चौथा अक्षर है स्केत्सु, इंग्लिश के अंदर हम इसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं और हिंदी के अंदर मानकीकरण कहते हैं। जो फिफ्थ अक्षर है इसका शित्सुके है, जापानीज भाषा में इंग्लिश के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है और हिंदी के अंदर हम इसको अनुशासन कहते हैं। तो सबसे पहला अक्षर है सेरी, हमें यह पता होना चाहिए सेरी है क्या। सेरी का मतलब है इंग्लिश के अंदर बोले तो सॉर्टिंग या सेग्रीगेशन करना, हिंदी में छपाई। जो भी हमारी वस्तुएं हैं, चाहे ये हमारी इंडस्ट्रीज की हो, चाहे किसी मॉल की हो, चाहे घर की हो, चाहे कहीं भी की हो, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, चाहे दुकान की क्यों ना हो, उसकी छटाई होनी ज़रूरी है। छटाई के बाद उसको हम अलग अलग वो कर लेते हैं, ये हमारे काम की है या काम की नहीं है या काम भी आ सकती है, तीन भागों में बांट लेते हैं छापने के लिए। पहले भाग के अंदर वो रख लेते हैं जो काम आने वाली है, उनको हम फ्रंट में रख लेंगे, उसको हम ग्रीन मार्किंग कर देंगे या ग्रीन टैगिंग कर देंगे, यह एक कलर कोड निश्चित कर देंगे, ग्रीन रेड येलो कर दिया हमने सपोज करो, तो ग्रीन हो गया हमारा काम का, येलो हो गया ये काम आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, ऐसे ऑर्डर के अंदर रख देंगे, और रेड है वो हमारे किसी काम के नहीं है, सक्रेट है, इस तरह से छटाई करके अलग अलग कर लेंगे। दूसरा है सेशन, सेट इन ऑर्डर, जो भी हमने छटाई करा हमारा, जो काम का है, बिना काम का है, या काम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कंफ्यूज है, उनको हम व्यवस्थित तरीके से लगा देंगे, ढंग से प्रॉपरली हर एक को उसके हिसाब से सेट कर देंगे, इस लेयर बना देंगे या कुछ भी इस हिसाब से बना देंगे, वो रखा हुआ सुंदर भी लगे और हम आसानी से उसको ढूंढ भी सकें। इस हिसाब से कोई भी चीज़ हम अगर कहीं रख देंगे, अंधेरा भी है, लाइट भी नहीं है, अगर हम आँख बंद करके भी उठाना चाहेंगे तो वो उठा सकते हैं, इस हिसाब से हम उसको व्यवस्थित कर देंगे। तीसरा अक्षर है सेसो, जापानीज भाषा में है, इंग्लिश के अंदर कहते हैं साइन है या नेट एंड क्लीन भी बोल देते हैं, साफ सुथरा, स्वच्छता कहते हैं हिंदी में या साफ सुथरा। कोई भी काम है साफ सफाई होनी चाहिए उसके अंदर, हर चीज़ साफ सुथरी होनी चाहिए, जहाँ भी रखा हो पूरा एरिया साफ सुथरा होना चाहिए। चौथा अक्षर है स्केत्सु, स्केत्सु को स्टैंडर्डाइज कहते हैं या मानकीकरण करते हैं, लागू कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं नियम इनके, इस हिसाब से जो भी हमारा पहला अस, दूसरा अस, तीसरा अस है, इनका मानकीकरण कर देंगे हम इसमें। पांचवा अक्षर है शित्सुके, यानी सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, जो भी हमने 400 पे वर्किंग की है उसको हम अनुशासन में लेके आना है, यानी रेगुलर करना है। एक दिन तो हमने कर दिया दोस्त में आके, सब कुछ मेंटेन कर दिया, अगले दिन हम भूल जाते हैं क्या किया, या एक हफ्ते तक हमने रेगुलर रखा, इसके बाद हम भूल गए। हमें इसके अंदर अपना सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा या अनुशासन रहना पड़ेगा, इस काम को हमें रेगुलर करना पड़ेगा। 5S की स्टार्टिंग आपको बता दिया था मैंने, स्टार्टिंग में जापान से हुई थी। तो ये 5S है, एक एक की डिटेल अगले चैप्टरों में मैं आपको बताऊंगा, हर एक ऐसे का एक चैप्टर बनाऊंगा, वो पूरा डिटेल में समझाएंगे आपको।